आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। चार महीने के बाद फिर से पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एक ही झटके में प्रति गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए तक बढ़ गए हैं। इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी 137 दिनों के बाद बढ़ोतरी देखने को मिली। सरकार भारी मात्रा में डीजल की खरीद की कीमत प्रति लीटर 25 रुपए पहले ही बढ़ा चुकी है। उधर सीएनजी के दाम भी बीते वर्ष जून से लेकर अब तक 16 रुपए 1 पैसे प्रति किलो बढ़ चुके हैं। इससे साफ है कि माल ढुलाई महंगी होने जा रही है। ट्रांसपोर्टर्स इसका संकेत भी दे चुके हैं। दिल्ली में शहर की सीमा के अंदर हल्के छोटे वाहनों से ढुलाई होती है जो लगभग 95% सीएनजी पर संचालित हैं, जबकि दूसरे राज्यों से आने वाले सामान भारी ट्रकों से आता है जो डीजल पर चलते हैं। इसलिए दोनों स्तर पर ट्रांसपोर्ट महंगा होने जा रहा है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सीईओ का कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स अब तक माल भाड़ा नहीं बढ़ा रहे थे, लेकिन कीमतें बढ़ती हैं तो जाहिर तौर पर फैसला लेना ही होगा। अगर डीजल 1 रुपए प्रति लीटर बढ़ता है तो खर्च भी 0.5% बढ़ जाता है, क्योंकि परिवहन के रूप में फ्यूल खर्च कुल खर्च का 60% होता है। इसलिए जिस अनुपात में डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, माल भाड़ा भी बढ़ेगा। सीएनजी से स्थानीय ढुलाई भी महंगी हो गई है। अब इन सब का असर सभी वस्तुओं की कीमतों पर देखने को मिलेगा, क्योंकि दिल्ली उत्पादक राज्य नहीं है। लगभग 100% सामान बाहर से आता है, इसलिए अधिकांश उत्पादों की कीमतें बढ़ेंगी। साथ में उन उत्पादों की कीमतों पर असर दिखेगा जो दिल्ली में कच्चे माल से तैयार कर दूसरे प्रदेशों को बिक्री के लिए सप्लाई की जाती है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री कहते हैं कि दाल चीनी से लेकर खाद्य तेल की कीमतों में बीते 2 हफ्तों से नरमी देखने को मिल रही थी। अब डीजल की कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, जिससे इनकी कीमतों पर असर पड़ेगा। सीएनजी की कीमतें पहले से ही 1 वर्ष से भी कम समय में 16 रुपये प्रति किलो बढ़ चुकी हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर ढुलाई महंगी हुई है। डीजल महंगा होने से माल भाड़ा बढ़ जाएगा। स्कूल ट्रांसपोर्ट एकता यूनियन के अध्यक्ष कहते हैं कि 2 साल पहले सीएनजी की कीमत 38 रुपये थी, जो अब लगभग 59 रुपये है। अभिभावक एक बार फिर हमें बच्चों को स्कूल पहुँचाने के लिए कह रहे हैं। अभिभावक कैब का किराया कम करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सीएनजी की कीमत बढ़ चुकी है। गाड़ी का मेंटेनेंस भी महंगा हो गया है। फिटनेस पेनल्टी खत्म करने की मांग की थी, उसे भी सरकार ने नहीं माना, इसलिए किराया बढ़ाना मजबूरी हो गई है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।